आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। सीएए, एनपीआर और एनआरसी कानून को लेकर मुस्लिम समाज का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में मुस्लिम समाज से जुड़े भाजपा नेता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी छोड़ने लगे हैं। खजराना क्षेत्र में जहां भाजपा पार्षद उस्मान पटेल ने पार्टी छोड़ दी है, वहीं उसी के दौरान मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी के समक्ष खजराना अजमेर कोठे के कद्दावर भाजपा नेता यूनुस पटेल गुड्डू ने भी भाजपा छोड़ दिया है। आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए यूनुस पटेल गुड्डू ने बताया कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी जैसे कानून के विरोध में भाजपा छोड़ी है। उन्होंने इन कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा कि 500 कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा छोड़ दी है। ज्ञात रहे कि यूनुस पटेल गुड्डू पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के कट्टर समर्थक हैं तथा नायता पटेल समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यूनुस पटेल गुड्डू पूर्व में युवक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री जैसे पद पर रह चुके हैं। गुड्डू के भाजपा छोड़ने से खजराना क्षेत्र में भाजपा को लगातार दूसरा झटका लगा है। काला कानून लगाने से एनआरसी वगैरह जो है बहुत खतरनाक कानून है। ये 53 तलाक और लॉचिंग भी की गई थी, वहाँ तक ठीक था। उसके बाद ये एनआरसी वगैरह जो लगी, ये काला कानून है और बहुत खतरनाक कानून है, क्योंकि एनआरसी तो अभी लागू नहीं हुई है। हाँ, सीए मतलब जो लगाया गया है इन्होंने, वो भी बहुत खतरनाक है। और एनआरसी लगाने जा रहे हैं ये लोग तो कुल मिला के देश हित में नहीं है ये, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह साहब जो विश्वास किया था, हम लोग भी बरसों पुराने कांग्रेसी थे और कांग्रेस छोड़कर हमारा जाने का मकसद ही ये था कि बहुत अच्छे लोग हैं, काम अच्छा होगा, देश विकास की ओर जाएगा। पर जिस तरीके से उन्होंने इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब जब अपने देश की जनता, अगर कोई गलती होती है हर किसी से, इसमें संशोधन भी होता है, पर संशोधन वाली भी बात नहीं है। दूसरी बात, एक दो जने में ही सिमट के पार्टी रह गई है। अगर कोई बोलने भी जाता है तो देशद्रोही हो जाता है वो। दूसरी बात, कोई काम की विकास की बात ही नहीं है, एक दूसरे में ढोल के ना काम कर रहे। आज 6 साल से लगातार हम देख रहे हैं, मतलब कोई विकास की बात ही नहीं करता है। कुल मिला के टोटल नए नए कानून लाना, पूरे रीढ़ की हड्डी तोड़ दी नोटबंदी भी हुई तो। आज अपने देश ही पीछे गया है, छोटे मोटे व्यापार न खत्म हो गए टोटल। इसके बावजूद भी हमने लोग सोचा कि नहीं यार, अब नहीं, अब समझेगी पार्टी, पर कोई समझने वाला नहीं है। 2-4 जने के बीच में समट के पार्टी रह गई और देश टोटल कंगाल पे खड़ा है। स्थानीय नेताओं से किसी से मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि इन लोगों की भी बात मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली में कोई भी नेता जो मन में आए वो चल रहा है। अब वहाँ पे जब इतनी वहाँ पे ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे, उन्होंने उनके ऊपर गोलियाँ चल रही साहब, इंसानियत की जमा इंसानियत ही नहीं। अरे इतने सारे मंत्री संसद है अपने, तो एक दो को भेजो ना, वो बीच में बात करें उनसे, क्योंकि अपन को विदेश से चुनाव लड़के थोड़ी आए हैं। अपने देश से देश में चुनाव हुआ, देश की जनता से वोट लिया है, तो उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। आपको पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का समर्थक माना जाता है, बराबर है ना? उनका क्या स्टैंड है इस मामले में? स्टैंड खुश है वो इनसे, हो सकता है वो भी तैयारी है मतलब कांग्रेस में वापस, क्या वो भी ये कानून के खिलाफ है वो भी? किस कानून के खिलाफ? हाँ, और दूसरा 2-4 जने की पार्टी सिमट के रह गई, कोई सुनने वाला ही नहीं है दिल्ली में। प्रेमचंद गुड्डू के आप कट्टर समर्थक माने जाते हैं? अभी तो करीब करीब उनको विदेश में अभी यहाँ है भी नहीं, पर जानकारी है उनको, क्योंकि हमारे बीच में भी बात हुई थी। मैंने भैया में ये मतलब ये जो एनआरसी और सीए लग चुका है, एनआरसी लगने जा रहा है, तो ये सर्वधर्म का है, ना कि एक धर्म का है। तो मैंने कहा मैं इस्तीफा कभी भी दे सकता हूँ, तो बोले देख लेना आप लोग, अभी विदेश में है वो। हेनी जी, अमित शाह जी, इतने बढ़िया आदमी
मतलब मुस्लिम लोग भी धड़ाके से जुड़ रहे थे लोग, पर हालात इन्होंने साल डेढ़ साल में डबल से रिपीट बैठे हैं, तो कोई सुनने वाला ही नहीं। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज़।